बाद महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन, सोयाबीन पे कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु डॉट कॉम की तरफ से मैं आपको पुनः याद दिलाता हूँ, पुनः आपसे बात बताता हूँ कि सोयाबीन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यदि हम सोयाबीन को देखें तो लगभग जुलाई से लेके और सितंबर क्या जून तक, पिछले 2020 जुलाई से जून 2021 तक सोयाबीन में लगातार तेजी दर्ज हुई और ये लगभग 123% की बड़ी तेजी एमसीएक्स पे नजर आई और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑयल सीड के अंदर सोयाबीन ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन अगस्त और सितंबर महीने का यानी 2021 का अगस्त और सितंबर माह सोयाबीन के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं रहा और ये लगभग 50% ऊपरी स्तरों से सोयाबीन के भाव राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर फिसल गए, लुढ़क गए और बुरी तरह से बेताशा मंदी देखे गए। इसका अग्रिम अनुमान भी हम आपको लगातार दे रहे थे कि याद रखिए कि सोयाबीन के अंदर सावधान सावधान सावधान। उम्मीद है दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। याद रखिए ये चैनल विशेषकर उन कारोबारियों के लिए है, मंडी कारोबारियों के लिए है, किसानों के लिए है जो अग्रिम अनुमान लगाना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय का। सोयाबीन के अंदर अब आगे वाली क्या संभावना बन सकती है, सोयाबीन की लगभग जो भारतीय फसलें हैं स्टैंडिंग क्रॉप्स है उसके अंदर बड़े नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान के कुछ इलाके जहां पे सोयाबीन की पैदावार होती है उसके अंदर अलग अलग सूचनाएं मिल रही हैं। कुछ इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और कुछ इलाकों के अंदर अच्छी फसलें भी दिखाई दी गई हैं। लेकिन कुल मिला के सोयाबीन के अंदर अब आगे संभव है बहुत बड़ी मंदी की संभावनाएं कम नजर आ रही है। यदि आप और देखें 10-20% सोयाबीन की गिरावट हो ऐसी संभावनाओं से मैं इनकार करता हूं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इसके बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। लेकिन तेजी आएगी, तेजी के साथ साथ में मंदी भी आएगी, इसके लिए हमारे विशेष एपिसोड इसी चैनल पर देखते रहिए।